वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। बच्चों ने कार्टून एंजॉय किया, मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और खैर, पानी की जो ज़िंदगी है, जो ओशन की आप लाइफ दिखाते हैं, दैट इज़ सुपर अमेजिंग। एक ख्वाब अपना किसी ज़माने में था और अभी भी है कि एक वक्त मिले कि हम भी जो है ना ओशन की गहराइयों में जाएँ। तो दोस्तों, इस तरह है कि हमने आपसे कहा था कि मौसम बड़ा औसम है, बड़ा खूबसूरत मौसम है, और ऐसे में हमारे पास लाहौर से एक बैंकर आए। हमने कहा बैंकर आए और सुबह सुबह हम बैंकिंग पर बात करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपको महसूस करेंगे अपनी खूबसूरत आवाज़ से। लाहौर से हमारे साथ हमें आकर ज्वाइन किया है आशिर एबल ने, और वो अपने सुरों के रंग बिखेरेंगे हमारे साथ। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। जी कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। थकन उतरी है? उतर गई है, ट्रैवल की एनर्जेटिक हो गया हूं। नहीं, थैंक यू सो मच। आप अपना ट्रैवल करके आए राइजिंग पाकिस्तान के लिए। कोशिश हमारी यही होती है कि हम पूरे पाकिस्तान से टैलेंट को बुलाएं, और ये प्लेटफॉर्म ही आप लोगों के लिए। ये जो येलो सोफा हमने बनाया है, ये आप जैसे ही इमर्जिंग स्टार्स के लिए। अच्छा जी आशिर, थोड़ा बहुत बताएं अपने बारे में। बैंकिंग पढ़ा क्या है, उसके बाद म्यूजिक की तरफ किस तरह से आए, थोड़ी अपनी स्टोरी बताएं। ओके, सो बेसिकली म्यूजिक इज लाइक इनहेरिटेड मेरे पेरेंट्स की तरफ से। आप कह सकते हैं कि एवरीबॉडी इन माई फैमिली, आप कह सकते हैं दे आर ब्लेस्ड, मतलब आप कह लें कि नेचुरली खुदावन की तरफ से दे आर ब्लेस्ड। तो म्यूजिक वॉज लाइक इन माई ब्लड, बट ऑब्वियसली वैन यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपने ग्रो करना है, और उसके बाद यू विल बी रनिंग अ फैमिली एज अ गाय, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एजुकेशन भी साथ में अच्छी हो। सो माई मदर ऑलवेज इनकरेज मी फॉर बोथ। सो लाइक आई डिल MPhil in finance, banking and finance. Banking and finance. अच्छा ठीक है। banking and finance से फिर हो जाए, क्योंकि मतलब मैं conference को पढ़ाता हूँ ना, तो it's one of my favorite fields. अच्छा सवाल कर दें। अच्छा वो कह रहे हैं कि सर काम की बात करें, हम तो सिर्फ इम्तिहान देने नहीं आए हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि you have to carry your सब music और education को साथ लेके चलना पड़ता है, और इस पे अब हम काम भी कर रहे हैं। इसीलिए हम यंग टैलेंट को भी यहाँ पर प्रमोट करते हैं कि हम फुल टाइम म्यूज़िक को कैरियर नहीं बना सकते, वो हमारी मजबूरी हमारे सामने है, मगर वक्त बदल रहा है। तो जब आप इस तरफ आ रहे थे, बैंकिंग की तरफ आ रहे थे, तो क्या पुश था फैमिली की तरफ से गो फॉर योर एजुकेशन, या पहली आपकी प्रायोरिटी म्यूज़िक थी और आपको पेरेंट्स की वजह से प्रायोरिटी को बदलना पड़ा? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ ना कि बच्चों का अक्सर ये शिकायत होती है कि जो हमारा टैलेंट होता है उसमें हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें जो है ना प्रमोट नहीं करते हैं। There are other pushes to go for the study or subject selection bhi parents karte hain. नहीं, बिल्कुल, आई डेफिनेटली एग्री विद दिस। आप क्योंकि आप जब छोटे होते हैं यू आर इमेच्योर, और डेफिनेटली यू हैव अ टैलेंट, बट ये है कि उसको आपको थोड़ा सा नरिश और फ्लरिश करना पड़ता है। मेरी फैमिली की तरफ से दो मुझे म्यूजिक के लिए मेरा साउंड सिस्टम भी मिला है, माइक भी मिला है, दे गिव मी द लैपटॉप कि आप गा सकते हैं, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट मेरी मदर वॉज वेरी फोकस्ड कि अच्छा आप अपना मास्टर्स एटलीस्ट कर लो, शी वाज लाइक कि मास्टर्स कर लो, उसके बाद यू कैन लीव योर मास्टर्स एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप किसी भी तरह की एक्टिविटी कर सकते हो। सो कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपको लगे कि अच्छा यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट, या चैलेंज बहुत ज़्यादा है, सो यू हैव अ मास्टर्स डिग्री, तो आप कोई जॉब कर सकते हो एंड योर फ्यूचर इज सिक्योर। सो आई पर्सनली बिलीव कि मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था कि नहीं मम्मा आई हैव टू सिंग, मुझे म्यूजिक ही करना है। मेरा बैंड था, मैं रातों को ग्रुप के साथ गाता था, लेकिन अब At this point of time, when I see कि हाँ, she was definitely right. क्योंकि education बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई, आप किसी भी कहीं पर भी, आप किसी भी field में हैं, आप अपना talent को लेकर चलना चाह रहे हैं professionally, but पढ़ाई को हमेशा encourage करते हैं हम लोग, और वो नहीं छोड़नी चाहिए। So do I endorse. But when you are doing your MPhil in finance and banking, that takes lots of energy. बहुत आपकी energy लगती है, तो thesis. Thesis work and this is just challenge. तो कैसे आप अपने music का रियाज कैसे करते थे और thesis को कैसे carry करते थे? Basically thesis जो था, I did not opt the option for thesis क्योंकि मेरी education के साथ I was working as well. तो music क्योंकि मैंने उसके substitute में I took courses. लेकिन music is anytime anywhere. अच्छा आशिर, अपना music अभी बनाना शुरू किया है, क्या प्लान्स हैं कि अभी अपने म्यूज़िक पे ही काम करना है, या सिर्फ कवर्स ही गाने, या अभी सीखने का ही अमल जारी है? कह सकते हैं कि व्हेन बिफोर माय आई वाज डन विद माय एजुकेशन, मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया, आई हैड अ वेरी ब्रिलियंट ग्रुप, और उसके साथ आई यूज्ड टू परफॉर्म अ लॉट। तब अच्छा वो ग्रुप ही बहुत क्रिएटिव था हमारा, तो लेकिन क्योंकि प्रायोरिटी चेंज हुई, वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ म्यूजिक, बहुत इनोवेशन, एंड आई वाज लाइक ऑल गॉड गिफ्टेड कि हम नेचुरली म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे थे, बट उसको क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे कि हम उसको जो है वो लॉन्च कर सकते, बट ये है कि फिलहाल
I'm living this as a passion. क्योंकि अब हमारा पूरा ग्रुप थोड़ा सा scattered हो गया है for education. Some of my friends are like they traveled abroad. और अब हम थोड़े से scattered हैं because like we're taking life quite serious. As in guys and like running family. अच्छा, अभी basically financial stability की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ अपने शौक को लेकर चल रहे हैं. लेकिन देख नई टीम भी बन सकती है, नए दोस्त भी बन सकते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की वैसे भी कमी नहीं है. आप किसी को सिखा सकते हैं कि सिखा के अपने साथ टीम अप कर लें और उसके बाद आप कंटिन्यू करें अपना. अच्छा, इट्स ब्यूटीफुल टू सी यंग मैन लाइक यू के जो एक्सेल करें एजुकेशन में भी म्यूजिक में भी. अच्छा, अक्सर जो वोकलिस्ट होते हैं उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट एक हैंडी हो जाता है अगर इफ़ यू आर हैविंग अ गिटार और समथिंग लाइक दैट. तो इंस्ट्रूमेंट्स भी आप गिटार या कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आप प्ले कर सकते हो? बहुत ज़्यादा है और एक बेसिक गिटार आप कह सकते हैं कि मतलब मैंने लर्न की है, बट थोड़ा सा आउट ऑफ प्रैक्टिस ऑब्वियसली. जब नोटेशंस थोड़ा सा सुर का मसला हो तो कीबोर्ड की आई टेक हेल्प ऑफ कीबोर्ड कि मुझे हाँ सुर तक पहुँचना है. अदरवाइज आई प्रेफर कि अगर आपको रियाजत करनी है देन यू शुड सिंग विद द ओरिजिनल सॉन्ग इफ़ यू लर्निंग इट, क्योंकि उनकी जो वर्सेटिलिटी है देन यू हैव टू गो विद इट. तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा रियाजत में हेल्प करती है. इट्स नॉट जस्ट द इंस्ट्रूमेंट बट द वन हु इज सिंगिंग. अब कार्ड ईजी हो गया जैसे अब आपके पास हैंडी हो गया. पहले तो जब लोग रियाजत करते थे तो हारमोनियम सबसे एक हैंडी चीज है. हारमोनियम इज द बेसिक की एंटिल नाउ आई थिंक टिल नाउ कि आप सिर्फ पक्के करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इंस्पिरेशन कौन है आपकी जिससे आप सीखते हैं, आप जिसको कहते हैं कि मैं इनकी तरह गाना शुरू कर दूं? शायद ये बड़ा अनरियलिस्टिक सा आंसर है बट आई थिंक एवरीबॉडी इज माय इंस्पिरेशन. अच्छा, वेदर नोन और अननोन. एक छोटा सा बच्चा अगर गाएगा और वो उस कवर को जो एक गाना हुआ है उसको उसने ज्यादा क्रिएटिवली गा लिया, दैट किड इज माय इंस्पिरेशन. सो वैसे तो बहुत सारे सिंगर्स हैं, आई कैन लिस्ट डाउन द ऑल द मशहूर हमारे जितने भी सिंगर्स हैं, आई कैन लिस्ट देम डाउन, बट फॉर मी एवरी इमर्जिंग टैलेंट इज. आखिरी सवाल, अब मुश्किल में डाल सकते हैं थोड़े से, छोटी सी मुश्किल, ज्यादा नहीं. फाइनेंस और मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं. हाँ, फाइनेंस और मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं. बजट भी तो माशाल्लाह बजट भी बनाना जानते हैं. हाँ, आवाज भी खूबसूरत है. हाँ, फिर सवाल करें, फिर एक नॉक भी होती है ना, के सवाल नॉक होती है, इम्तिहान ले. अच्छा अच्छा, नहीं ज्यादा इम्तिहान में नहीं डालेंगे. अच्छा, हमें ये बताए आखिरी सवाल कि अपने टैलेंट को किस तरह से मार्केट किया जा सकता है? डोंट बी शाय. मैं ट्रैवल करता हूँ एंड इफ लाइक वांट टू सिंग एंड आई एम ट्रैवलिंग, इफ आई एम विद समबडी आई सिंग, आई एम इन द वॉशरूम आई सिंग एंड आई नीड अ ब्रेक आई गो आउट एंड सिंग. सो अपनी हेजिटेशन हटाएं, तभी लोग देख पाएंगे आपको. और आई थिंक दिस इज हाउ यू मार्केट. सोशल मीडिया इज द प्लेटफॉर्म, राइट? सोशल मीडिया इज द प्लेटफॉर्म, बट ये है कि डोंट हेजिटेट और कॉन्फिडेंट रहे एंड दिस इज द बेस्ट टेक्निक दैट आई थिंक यू कैन मार्केट योरसेल्फ. वंडरफुल आइडिया. मैं तो कहता हूँ कि हम भी एक कोशिश कर रहे हैं इसमें कि हम भी टैलेंट को यहाँ पर प्रमोट करें और आप हमारे साथ आए. थॉरली एंजॉयड इट, फ्रेंकली. मतलब आपने लो पिच से शुरू किया और फिर नई रहा से आप यहाँ पे पहुँचे हैं, तो वैरायटी है आपकी आवाज़ में. ऑल द बेस्ट. बहुत शुक्रिया और बहुत जल्द हम चाहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में जिस तरह टैलेंट की बात की हम उनने, हमारी कोशिश है कि अगली दफा जब हम आपको येलो सोफे बैठाएं तो आप अपने गाने भी हमें सुनाएं, आपकी अपनी प्रोडक्शन हो और पता चले जी आशिर जो है वो स्टार बन गए, फिर हम कॉल करें आशिर आ जाए राइजिंग पाकिस्तान में, आ जाए. नहीं नहीं, हम आपको जरूर बुलाएंगे और आई रियली होप कि आप भी जरूर आएंगे. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. हैव अ गुड डे. नाजीन, हम जाएंगे अब ब्रेक की जाने. ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे समर ज़िया से. समर आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगी, क्योंकि जैसे हमने ये सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाया उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में बढ़ता हुआ टूरिज्म जो है वो हम सबको डेफिनेटली, हम सब उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. हमारी कोशिश है कि मज़ीद टूरिज्म जो है वो बढ़ता जाए पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर. लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, जिसमें सबसे पहले समर ने हमें हॉस्पिटैलिटी से चीज स्टार्ट किया. आज हम बताएंगी कि ख्वातीन का हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में क्या स्कोप है, इसके बारे में हम बात करेंगे, और इसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं और उनको किस तरह से केटर किया जा सकता है. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. ख्वातीन जितनी भी हैं वो ये सेगमेंट हमारा ज़रूर देखें. ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे. देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान.